शहर में संचार बंदी कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा घोषित कर दी गई। प्रशासन पुलिस यंत्रणा अपने काम में तेजी से लग गए। धारा 144 लगने के बाद भी लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे थे। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के चिंताजनक आंकड़े आने के बाद संचार बंदी कर दी गई। तब हिंगनघाट शहर में भी सख्त कदम उठाए गए। पुलिस प्रशासन कल शाम से अपने काम में लग गई है। संचार बंदी की घोषणा के बावजूद भी कई लोग घर से निकल रहे हैं, तब जाकर पुलिस प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े। उसके बाद ही आम नागरिक शांत हुए हैं। शहर में सुबह सभी लोग आवश्यक काम के लिए बाहर निकले देखे गए। सुबह 11 बजे से जीवन आवश्यक वस्तु की दुकानें शुरू होती देखी गई। जीवन आवश्यक वस्तुओं में किराना दुकान, डेयरी की शॉप, मेडिकल शॉप, दवाखाने शामिल है। कई किराना दुकानों में ज्यादा भीड़ देखते ही पुलिस प्रशासन ने उनको सचेत किया। दोपहर के 1 बजे शहर के जागृत नागरिकों द्वारा सामाजिक जिम्मेदारी की कमान संभाली गई। हर जगह अपनी कार्य पर उपस्थित पुलिस कर्मचारी, प्रशासकीय अधिकारी इनके लिए चाय, नाश्ता, पानी और खाने की व्यवस्था की गई। कोई अपनी 2 व्हीलर से तो कोई अपनी 4 व्हीलर से उनको यह सेवा दे रहा था। शहर में कुछ एक नेता छोड़ के एक भी नेता शहर में कोरोना वायरस की जनजागृति करते नजर नहीं आया। तब लोगों ने कड़वे शब्द में शहर के नेताओं की निंदा की। लोगों का कहना है कि सैनिटाइजर, हैंड वॉश, मास्क जरूरती लोगों तक नहीं पहुंचाए गए। शहर के सब्जी मार्केट का संचालन भी नगर पालिका हिंगनघाट के ओर से सही तरह से नहीं हो रहा है। तब शहर में नगर पालिका के विरोध में नागरिकों की नाराजगी दिखी। सब्जी मार्केट का विघटन करके अलग जगह थोड़े सब्जी वालों को बिठाया गया तो भीड़ नहीं होगी, ऐसे कुछ समझदार नागरिकों का कहना है। कुछ नागरिकों का कहना है कि प्रशासकीय लोगों की 5% उपस्थिति की गई है। शिक्षकों को छुट्टी दी गई है तब भी सरकार उनको पूरा पगार दे रही है। पुलिस प्रशासन, महसूल विभाग, इनको मैन पावर की कमी पड़ रही है, तब इन सभी लोगों को इनका साथ देना चाहिए, तभी अच्छे तरह से काम हो सकता है। यहाँ सब सरकार के जिम्मेदार लोग हैं। इस प्रकार का कहना हिंगनघाट के कुछ जागरूक लोगों का है। कोरोना विषाणू का प्रादुर्भाव रोकने करिता संपूर्ण राज्यामध्ये संचारबंदी लागू केली।